बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन प्लान के, जिसका साइज है 11x30 फीट। और जैसा कि मैंने आपको मेरा थंबनेल देखा होगा, उसी प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लान है और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। और इसका साइज है 11x30 फीट, जिसमें आपको एक बेडरूम, लेटरिन बाथरूम, किचन और आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं। इसका लुक भी बहुत ही बेहतरीन है, हालांकि छोटा है बट बहुत ही बेहतरीन लुक मैंने आपको दिया है। तो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो चलो, जो आज का मॉडल है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों पूरा प्लान है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 11x30 फीट। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर फ्रंट लुक इसका ये है। सामने की बात करें तो आप ऐसा देख पाएंगे, और साइड से ये 3 साइड क्लोज्ड हाउस है। अगर हम बात करें, तीनों साइड का क्लोज्ड है। और ये रेलिंग है, ये मैंने थोड़ा सा स्टाइलिश और कलरफुल डिज़ाइन किया है, और गेट भी बहुत ही बेहतरीन है। तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो पूरा डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है हमारे ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो ये देखिएगा इसका ग्राउंड फ्लोर है। मैं इसे मैक्सिमम जूम करके दिखाता हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ये इसका दोस्तों मेन डोर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा डिज़ाइन है। ये आपका रेलिंग है, और रेलिंग में थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह मैंने क्रिएट किया है, इसमें आपका घर का लुक बेहतरीन सा लगे। जैसे आप इस मेन डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको मिल जाती हैं स्टेयर्स, जो कि लगभग 10 फीट में बनी हुई हैं ये पूरी स्टेयर्स। तो ये तो 10 फीट का पोर्शन अप्रॉक्स ये इसमें आपको स्टेयर्स मिलेंगी। और फ्रंट में आपको जगह मिल जाएगी, जिसमें आप अपना 2 व्हीलर वगैरह पार्क कर सकते हैं, मतलब पार्किंग का स्पेस। इसके जस्ट पीछे आपको मिल जाता है ये लेटरिन और बाथरूम का एरिया, जो कि लगभग 5x6 स्क्वायर फीट का है। और बगल में आपको 5x6 स्क्वायर फीट की किचन मिलती है, जो कि आप देख पा रहे होगी। किचन में मैंने डोर नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर ओपन स्पेस रखना था मुझे। अगर आप यहाँ पर एक वॉल देकर डोर भी दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कंजेस्टेड हो जाएंगी और आपके वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर आप ओपन स्पेस रखते हैं, ओपन किचन रखते हैं, तो आपका कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। और फ्रंट की बात करें, सब लास्ट की बात करें, तो आपको एक बेडरूम मिल जाता है। ये देखिएगा अप्रॉक्स 10x10 का, क्योंकि 11 फीट चौड़ाई है और लंबाई मैंने 10 फीट ही रखी। तो अप्रॉक्स में 10x11 फीट का आपको एक बेडरूम, फिर किचन और लेटरिन बाथरूम और स्टेयर्स मिल जाती हैं। फ्रंट का लुक ये है। मैंने बाउंड्री, जो फ्रंट का बाउंड्री अप्रॉक्स मैंने 6 फीट बनाया है गेट के साइज का। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जाली लगवा सकते हैं, जिसमें आपका वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके सबसे पहले ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर की। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं स्टेयर्स के माध्यम, तो ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर है, जैसा कि पीछे बेडरूम, किचन, लेटरिन बाथरूम और स्टेयर्स। साथ में आपको मिल जाती है एक बालकनी, जो कि लगभग 2.5 से 3 फीट की बालकनी है, और इसका लुक भी मैंने आपको दिखा दिया। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन हो गया। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर मैंने फिलहाल कुछ डिज़ाइन नहीं किया, सिर्फ चारों तरफ बाउंड्री 3 से 4 फीट की, और फ्रंट में बालकनी वगैरह बना दी, और ये आपका एक गुमटी बना दिया है, जो आपका स्टेयर्स था, जिससे आपका बरसात में पानी वगैरह आपके नीचे ना जाए। तो ये पूरा प्लान 11x30 फीट में मैंने जो आपको डिस्कस किया, कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमें फीडबैक ज़रूर दें। साथ साथ अगर आपने अभी तक इस माला हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो आप हमारे पेज को भी फॉलो कर लें, और हमें आप सपोर्ट करते रहें। जैसा भी आपका फीडबैक है हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। अगर आप किसी भी टाइप का घर वगैरह नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो पेड सर्विस है, केवल पेड यूजर ही वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें। आप किसी भी टाइप का घर का नक्शा वगैरह डिजाइन करवा सकते हैं, और वहाँ पर मैं इंस्टेंट आपको आंसर दूंगा, आपसे बात की जाएगी। इसके बाद आपका पूरा जो भी प्रॉब्लम्स होगा, उस अकॉर्डिंग आपका 2D और 3D मैप बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाकर आपको दिया जाएगा। तो आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपको इस मॉडल के विषय में लगा हो, हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।